हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फार्मिंग 23। और यहाँ पर जो है हम बना रहे थे भाई फैब्रिक, और फैब्रिक जो है कल वाली वीडियो में शायद फुल हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर जो है फार्म में स्टोर कर ली वो लाके। और आज मैं सोच रहा हूँ कि टेलर शॉप है वो बाय कर लूँ, क्योंकि उससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ से मैं पहले पिक कर लेता हूँ फैब्रिक, क्योंकि मैंने यहीं पर रखा है और ट्रेलर भी यहीं खड़ा है, तो यहीं से ले चलते हैं हम, और चलते हैं ट्रेलर शॉप के पास, और वो शायद हमें पहले बाई करनी पड़ेगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं गाइस, तो इसके लिए तो हमको पहले पैसे चाहिए भाई। तो पैसे बनाने के लिए मेरे पास शायद साइलो में कुछ हो सकता है क्या, देखता हूँ मैं एक बार। साइलो में नहीं यार, मेरे पास शायद सनफ्लावर के पैकेट पड़े होंगे, ओलियो के है भाई, या सही टाइम पे मिल गए। तो यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट ट्रैक्टर को लेके, और ओलिव वाला है वो सेल करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में मनी आ जाएगी, उतनी तो आ ही जाएगी जितनी ट्रेलर शॉप हम बाई कर सकते हैं शायद मेरे हिसाब से। और बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से 90,000 की हमको पड़ने वाली है ट्रेलर शॉप। मैं आइडिया से बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है। मैं वैसे मैंने बाई तो कर रखी है अमेज़ॉन में, लेकिन मेरे को याद नहीं है मैंने कितने की बाई की थी। मेरे हिसाब से 80,000 रुपये की, या फिर 95,000 की, या फिर 80 की होगी यार, मैंने मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट इतने की तो आएगी आएगी। पर हमको चाहिए $1,00,000 से ऊपर करने हैं हमको, तब जाके हम ट्रेलर शॉप बाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर हेल्पर वगैरह नहीं चलते ना, इस वजह से थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब यार एक गाड़ी वाला देखो, शुक्र इसने रोक लिया, नहीं मैं ठोक देता इसमें ना। इनको छोड़ो और हम हमारे काम पे ध्यान देते हैं भाई। और मैं ये वाला फील्ड बाय करने वाला हूँ, वैसे सोच रहा हूँ कि ओलिव की जो है वो बेच दूँ, सेल कर दूँ ओलिव वाले हार्वेस्टर, और ग्रेप्स वाली बाय कर लूँ, क्योंकि ओलिव वाली में भी कोई फ़ायदा है नहीं इतना, वो झंझट रहता है बहुत ज़्यादा। और ग्रेप्स की भी करके देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है इसमें। मेरे हिसाब से ग्रेप्स में ज़्यादा होगा प्रॉफिट ओलिव से, क्योंकि ग्रेप्स महंगे जाते हैं मेरे आइडिया अनुसार। बाकी देखते हैं कि कितना के जाते हैं। और भाई ये गाड़ी ट्रैक्टर की स्पीड कितनी चल रही है क्या, मैं चेक नहीं किया अभी। अबे हमारा जो ट्रैक्टर ना जेसीबी, ये जो है थोड़ा सा पावर कम है इसमें भाई, इस वजह से ये स्पीड बहुत स्लो पकड़ता है। अभी देखो खाली ट्रेलर है, इसमें भी कितने धीरे पकड़ रहा है स्पीड, अभी उस गाड़ी को भी नहीं पकड़ पाया इसमें। अभी जो लंदनी वाला ट्रैक्टर या फिर और जोंडियर वाला होता ना, तो वो वाला इसे पकड़ लेता है इतनी देर में। तो कोई ना, छोड़ो इसको, और हम अभी पिक करते हैं ओलिव। पर यहाँ पर जो है सनफ्लावर है, मेरे हिसाब से पहले सनफ्लावर का ऑयल है, तो कोई ना इनको भी पिक कर लेते हैं, सेल तो करना ही है वैसे। और एक बार मैं प्राइस चेक कर लूँ इनकी कितनी चल रही है। और सनफ्लावर मेरे पास वैसे साइलों में पड़ी हुई है भाई, मैंने लेके नहीं आया वहाँ से, गलती कर दी, मैं लेके आ जाता तो दोनों काम एक साथ हो जाते। कोई ना छोड़ो, उनको बाद में डाल दूंगा मैं। और अभी जो है सनफ्लावर की प्लाई जो है वो तो ठीक ठाक सी चल रही है, उतनी अच्छी भी नहीं चल रही, और कनोला की भी ठीक ही चल रही है वैसे, इतनी अच्छी भी नहीं चल रही भाई, पर क्या करें, बे हमको सेल करना पड़ेगा इनको। और ओलिव की भी ठीक ही चल रही है, ज़्यादा खास नहीं चल रही, पर कोई ना सेल कर देंगे, हमको अभी मनी की ज़रूरत है, स्टोर नहीं कर सकते इनको। और अभी जो है इनसे तो बात बनने वाली नहीं है, एक ट्रेलर और चाहिए हमको, तो एक ट्रेलर शायद और बढ़ जाएगा इनका, इतनी तो होगी इसमें, देखते हैं कितनी मिलती है हमको। और इधर से फार्मर्स मार्केट अब ऐसे पास में ही है, तो जल्दी से सेल करिए आ जाते हैं। अभी इसमें जो है सनफ्लावर के पैकेट हैं वो है 7 पैकेट हैं भाई सनफ्लावर के। अबे यार 7 पैकेट सनफ्लावर के हैं, और 5 पैकेट जो है ओलिव के हैं भाई, तो सनफ्लावर के ज़्यादा है इसमें वैसे। और सनफ्लावर की जो प्राइस है वो तो डाउन चल रही है इस वक्त, ओलिव की ज़्यादा है वैसे प्राइस है इस वक्त। ओलिव की जो है 7,000 के अराउंड चल रही है, और सनफ्लावर की चल रही है $5,500 के अराउंड चल रही है, इतनी चल रही है। तो यहीं बेच देते हैं हम सुपर मार्केट पर, क्या है जाना, उनमें 100-200 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा है नहीं, पर 1,000-2,000 का रहता तो हम जाते भी। अभी जो है $71,000 किया ये एक ट्रेलर बिका है, तो एक ट्रेलर और ले आते हैं, तब हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं इसको सेल करके फिर आपसे मिलता हूँ।
और यहाँ पर जो है मैं सेल कर दिया है सभी जो पैकेट थे वहाँ पर, और तीन ही और मिले थे भाई वहाँ पर। मैंने सोचा था कि ये फुल हो जाएगा ट्रेलर, मैंने देखा नहीं उसमें, और फिर वहाँ पे गया तो तीन ही पैकेट मिले, पर हो जाएगा अपना काम। $1,00,000 से ऊपर हो गए हैं, $1,03,000 हो चुके हैं, और जो है ट्रेलर शॉप भी उधर ही है। और यहाँ पर जो है JCB की मैंने सर्विस भी करा ली है, तो ये भी कोई चक्कर नहीं। तो इधर मैं देखता हूँ कि कितने पैकेट हैं। ओलिव की है भाई, तो ओलिव के तो चाहिए नहीं, और ये फैब्रिक के हैं, 8 पैकेट हैं भाई, तो 8 हम ले चलते हैं एक बार, और पिक कर लेंगे वहाँ से। लेकिन वहाँ से पिक करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, वो क्यों नहीं है मैं आपको बता दूंगा अभी। और सबसे पहले तो मैं इनको पिक कर लूँ एक बार, वो पिक करना भी भाई इनका महाभारत है। इनके ये पॉइंट है ना, ये बहुत सी फिजूल सी जगह पे बना रखा है कि बंदा परेशान हो जाएगा। यहाँ पर रियोस भी नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये डोली वाला है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो कुल मिला के बात ये है कि ये यहाँ पर ऑटो लोडर बाइक करना ही पड़ेगा आपको, ऐसी जगह पे काम आने वाली चीज़ है वो ऑटो लोडर, और बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। और एक जो और रह गया इसको मैं कर लेता हूँ भी, हाँ ये हो गया। और भाई उससे यहाँ पर जो है मैंने हार्वेस्ट के लिए कुछ भी नहीं लगाया क्या? हाँ, इस वाले हार्वेस्टर को लगा देता हूँ मैं, ये ओलिव हार्वेस्ट कर लेगी शायद, ये लास्ट हार्वेस्टिंग हो ओलिव की, क्योंकि मैं अब जो है ग्रास की करने वाला हूँ शायद, नेक्स्ट वाले ग्रेप्स पे हो जाए, सॉरी ग्रास की बोल रहा हूँ, ग्रेप्स या फिर नहीं भी आए हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता। और यहाँ पर जो है इस वाले ट्रैक्टर को करता हूँ मैं ग्रास मूव के लिए, ग्रास भी मूव करना है भाई, तो ग्रास मूव करने के लिए ये वाला मूवर यूज़ करेंगे हम, पर है ही है एक ही हमारे पास, यूज़ क्या करेंगे, तो इससे करना पड़ेगा भाई। और एक मशीन है जो कि वो वाली बाई DLC है, उसको वैसे नहीं कर सकते भाई, पैसे दो फिर करो, तो वही भी इसमें एक चक्कर है। कोई ना, इसको कर लेंगे भाई। ये मैं समझ में नहीं आया कि भाई ये वाला जो है DLC में क्यों किया उस मशीन को, क्योंकि जो है FS20 में तो वो चलती थी फ्री में, और यहाँ पर जो है उसको DLC में कर दिया, तो ये मेरे को चक्कर समझ में नहीं आया जाइंट सॉफ्टवेयर वालों का। भाई उस मशीन में भी आप पैसे लोगे यार, क्या ही डेवलपर है भाई, पर कोई ना यार, गेम है, गेम का रूल है, और गेम का तो क्या रूल है भाई, डेवलपर का रूल है, जो उन्होंने बनाया है वही सहना पड़ेगा। जिन 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 जिनको ये गेम पसंद है और जो है व्हीकल पसंद है वो बाय करना चाहते हैं, उनको तो भाई सहना पड़ेगा। अगर वो नहीं से बाय करना चाहते हैं तो वो तो यार क्या करेंगे, गेम ही नहीं खेलना चाहते हैं, तो वो तो उनके लिए तो कोई चक्कर है ही नहीं। बट को गेम खेलना चाहते हैं और उनको पसंद है और वो बाइक हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। तो इनको मैं लेके चलता हूँ ट्रेलर शॉप पे। और भाई यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थंबनेल लेने के चक्कर में, वो ये कि यहाँ पर जो है आप ट्रेलर में देखोगे तो आपको 4 ही पैकेट नज़र आएंगे, तो 4 कहाँ गए, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है इस वो ट्रैक्टर को लाके खड़ा कर दिया, और एक थंबनेल लेने के चक्कर में मैं एग्जिट बटन दबा रहा था, और एग्जिट की जगह वो सेल करने वाला दब गया, तो 4 पैकेट जो है वो सेल हो गए, और वो मैंने यहाँ पर सेल कर दिए, और हमारे जो पास $1,03,000 थे, अब $1,35,000 हो गए, तो कोई ना, वो तो हमारे पास और आ जाएंगे। तो ये है भाई स्पिनेरी, और ये स्पिनेरी नाम तो नहीं है लेकिन इधर लिखा हुआ है कहीं, और एक बार कंफर्म के लिए मैं देख लेता हूँ कि स्पिनेरी है क्या भाई, क्योंकि जो है गलती से कोई और नहीं हो जाए भाई। सॉरी ट्रेलर शॉप में स्पिनेरी बोल रहा हूँ यार, स्पिनेरी तो वहाँ पर है, हमने बाई कर रखी है ऑलरेडी, पर ट्रेलर शॉप करनी थी, और ये वाली भी ट्रेलर शॉप ही है, और इसको ही हमको बाई करना है, तो करते हैं बाई। मैं स्पिनेरी याद रह गया मेरे को यार, मैं अब फिर यहाँ पर देखा तो यार ये ट्रेलर शॉप नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा यार ये क्या चक्कर है, तो कोई ना ट्रेलर शॉप ही करनी था हमको भाई। और ये $1,00,000 की है भाई, मैं 95,000 या 90,000 और 80,000 का आइडिया लगा रहा था, तो 1,00,000 की है पूरा भाई, 1 रुपये में कम नहीं है इसमें, तो इसको करते हैं भाई। तो ये हो चुकी है भाई, और अब देखो यहाँ पर ये कॉटन और फैब्रिक दोनों का बनाती है भाई, ये कॉटन तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये रहा कॉटन, अच्छा कॉटन तो उसमें स्पिनेरी में डलेगा भाई, मैं भूल गया, स्पिनेरी में वो कॉटन डलेगा, और फिर यहाँ पर जो है स्पिनेरी हमको बना के देगी फैब्रिक, और फैब्रिक का बनेगा हमारे पास क्लॉथ, क्लॉथ यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो
रुई होती है ना उनका जो वो स्नेरियम बना के देगी हमको, बिना सिले हुए कपड़े यानी कि टुकड़े जो यहाँ पर जो पड़े हुए हैं ये बिना सिले हुए हैं भाई, और इसमें से हमको सील के फिर कपड़े मिलेंगे जो हम पहनते हैं ना वो वाले, तो यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ लंबा थोड़ा इसमें है नहीं, तो इसमें काम करना बहुत आसान है भाई। अब हम अनलोड करेंगे ना तो ये बिकेंगे नहीं है, हमारी क्लॉथ है ना वो बनना स्टार्ट होगी, और अब जो है हमको लाने की ज़रूरत है नहीं वहाँ से स्पिनरी से, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट वो पहुँचा देती है, कुछ चार्ज लेती है लेकिन वो पहुँचा देती है, तो ये मेरे को बेस्ट लगा यहाँ पर इसमें। और अभी जो है फैब्रिक इसमें 3999 लीटर आ गई है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि अभी स्टोरिंग पे है तो वहाँ पर स्टोर हो रही है वो, और अभी सेलिंग पे है तो सेल करना नहीं है हमको, और ये है कर देता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से हमको वो जो बनता है ना क्लॉथ वो पिक करना है बस, और कुछ करना नहीं है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ वो वहाँ पर स्पिनरी कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है कोने में, देखो भाई कितना दूर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ कौन जाएगा बार बार, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा इसमें लगा कि ये डायरेक्ट कर देती है, कुछ चार्ज तो लेती है लेकिन कर देती है, वो मेरे को बेस्ट लगा इसमें, क्योंकि वहाँ से यहाँ लाऊंगा ना तो कम से कम भी 10 मिनट लेगा ये यहाँ से वहाँ जाने में, तो ये हमारा टाइम बहुत ख़राब होगा। तो अभी जो है ये तो इसमें है तो ये सही है, और बाकी में शायद नहीं है ये वाला फीचर, मैं कभी यहाँ पर जो है पूरी प्रोडक्शन तो की नहीं अभी मैंने, तो मेरे को इतना पता भी नहीं है, तो कोई ना वो मैं धीरे धीरे देख लूँगा, सभी तो करनी है ही वैसे। और इधर जो है हमारी हार्वेस्टर फुल हो गई है, तो इसको भी मैं अनलोड कर ही देता हूँ, तो उससे पहले मैं इस ट्रैक्टर को एक बार खड़ा कराऊँ सही जगह पे, और इसको भी लगाना है वैसे, कल्टीवेट करता हूँ उस वाले फील्ड को, तो इसको मैं काम करता हूँ ड्राइवर सान करके यहाँ पर भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कल्टीवेट करना है हमको, तो कल्टीवेटर यहाँ पर है मेरे हिसाब से, तो यहीं पे भेज देता हूँ इसको, ये ड्राइवर ले जाएगा वहाँ तक, एक बार देख लूँ ये चलेगा नहीं चलेगा। हाँ चल रहा है। ए भाई यार देखो रास्ता तो भाई और बहुत पड़ा है, लेकिन इसी में लाके घुसाएगा ये। चलो इस पे अब करता हूँ ड्राइवर साइन, और अब इस वाले ट्रैक्टर को यहाँ पर जो है इसको कर दूँ डिस्कनेक्ट, और इसमें अनलोड करता हूँ ये वाली ओल्यू जो है इस वाले ट्रेलर में, इसमें पहले भी पड़ी हुई है, तो इसको मैं सेल करूँ या सेल कर दूँगा या फिर वहाँ पर जो है हमारी प्रोडक्शन चालू है वहाँ पर डालूँगा, सेल करने की सोच रहा हूँ अभी तो मैं, क्योंकि जो है वहाँ पर प्रोडक्शन में तो बहुत पड़ी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा एक बार, तो ओल्यू ये रही, ये देखो यहाँ पर जो है 25,000 ही है वैसे तो कम ही है वैसे, मैं वहाँ पर ही डाल दूँगा एक काम करता हूँ, क्योंकि सेल करूँगा तो फिर वहाँ पर जो है प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो वो ऑयल नहीं निकालेगा इनका, और ऑयल ज़्यादा महंगा बिकता है इससे, तो हमारा लॉस होगा वैसे, तो वहीं डाल दूँगा मैं। और अभी जो है मैं एक बार काउस का स्टेटस चेक कराऊँ मैं इसे एक बार, तो उनके पास खाना है कि नहीं है, और उस वाले ट्रेलर में स्ट्रो है वैसे लेकिन और डाल देते हैं उनको, क्योंकि क्योंकि फिर स्ट्रो नहीं डालेंगे तो वो हमको मिल्क नहीं देगी, और यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक बार कितना है स्ट्रो, वैसे है उनके पास काफ़ी, और ट्रेलर में भी वो है फॉरेज वैगन खड़ा है वहाँ पर, तो उसमें भी है कुछ, तो वो मैं डाल आता हूँ तो उनका जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और शिप को जो है ग्रास डालना है तो ग्रास भी मैं डाल देता हूँ, और मैंने यहाँ पर इस पर जैसे ही खड़ा कर रखा है इसको, क्योंकि जो है मैं स्कीप करूँगा ना तब ये खाली होगा, तो अभी जो है स्ट्रो और डाल सकते हैं इसमें, कितना डाल सकते हैं वो देख लेता हूँ एक बार, इसमें थोड़ा ही है वैसे तो आ जाएगा इतना, तो आ जाना ये मेरे हिसाब से, और इसको करता हूँ मैं ओपन, और मिल्क वैसे हमको कम ही मिला है अभी तो, क्योंकि जो है काउस हमारे पास कम है, मेरे पास बजट जो है वो कम था, इस वजह से मैंने थोड़ी ही ली है काउस, धीरे धीरे करके मैं पूरा फुल करूँगा काम वाम को, और यहाँ पर मैं रिवर्स करके डाल देता हूँ एक बार, लो भाई नो मोर कैपेसिटी आ गया इसमें, तो पहले मैंने सोचा था कि वीट प्लांट करके और डाल दूंगा उनको, लेकिन ही इससे ये वाला ट्रेलर ही खाली नहीं हुआ, कोई ना इतना तो शायद मेरे हिसाब से ग्रास पिक कर लेगा, एक बार देखता हूँ पिक करके करता है कि नहीं करता,
और भाई इसमें छोटे छोटे जो है ना इक्विपमेंट है वो मैं कलेक्ट करता हूँ कि उनसे भी हमको $60,000 मिलेंगे। तो ये भाई पीछे से भी काफ़ी खूबसूरत है वाला हमारा घर। ये देखो ये एक गेट यहाँ पर भी है, बस ये ओपन नहीं होता भाई, ओपन होता तो मज़ा आ जाता यहाँ पर बालकनी ऊपर। और ये देखो ये है छोटा टूल, यहाँ पर जो है पहला ही कलेक्ट किया है अभी तो मैंने। और इस वाले मैप में नहीं पता मेरे को कहाँ कहाँ पर ये टूल्स हैं। एम एस्टोन में तो मेरे को पता है कि वो कहाँ कहाँ पर है और मैंने कलेक्ट भी कर रखे हैं उसमें तो, लेकिन इसमें नहीं पता, इसका एक का ही पता था मेरे को कि ये यहाँ पर है और बाकी का नहीं मालूम मेरे को कहाँ कहाँ पर है। तो वो देखना पड़ेगा, कर लेंगे जैसे जैसे मिलेंगे हमको, जैसे जैसे कर लेंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है कहीं कहीं टूल तो अभी यार ये नहीं लेगा यार, चलो इसको बाद में देखूंगा मैं, फिर वो सेल करके आना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा स्कीप करके उन्हीं को डाल दूंगा मैं। और इस ट्रैक्टर में कहाँ पर लगाऊँ मैं इसको, चलो इसको ओलियो के पास ही रहने देता हूँ क्योंकि वो फिर से फुल हो जाएगी तो वो फिर से वहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस वाले ट्रैक्टर की, तो इसको वहीं पे रहने देता हूँ। इस वाले ट्रेलर को अटैच कर लेता हूँ इसको, और यह मेरे हिसाब से ये भरने वाली है, एक बार देखूँ। हाँ ये भरने वाली है, 18% का अभी मैं आ जाएगा नोटिफिकेशन। और इस वाले ट्रैक्टर को लगाता हूँ मैं वहाँ पर सीडिंग के लिए, और वो वाला ट्रैक्टर पहुँच गया। ये हार्वेस्टर भी अभी फुल हुई पड़ी है, और वो इधर है कल्टीवेटर, अभी मैंने उल्टा लगा दिया भाई इसको, ये मैंने गलती कर दी इसमें क्योंकि अभी जो ये कल्टीवेटर को लेके नहीं चढ़ेगा वहाँ पर, ये छोटी सी गलती कर दी भाई मैंने यहाँ पर। कोई ना, अभी जो है करना तो पड़ेगा इसको। ये देखो हमारी शिप और वूल भी, वूल की भी फुल होने वाली है, वूल भी पहुंचाना पड़ेगा इस कनेरी पे। और एक बार मैं हार्वेस्टर को साइड में कर लूँ, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ एक बार ताकि ये बीच में ना आए। ये देखो 18% का आ गया ना नोटिफिकेशन, वो फुल होने वाली है अभी, अभी कम से कम 10 सेकंड काटेगी उसमें फुल हो जाएगी वो। और इसको ऑन कर लेता हूँ यहीं से, ये टाइम लगाती है भाई बहुत ज़्यादा। और ये FS20 वाला ही हेडर है भाई, और ये जो है FS20 में जल्दी खुलता था और इसमें थोड़ा सा टाइम लगाता है, एक क्यों लगाता है ये तो नहीं आइडिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो कर दी इसकी स्पीड। और यहाँ पर जो है हेल्पर को फिर से लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर इस कल्टीवेटर को लगाता हूँ। चलो यहाँ पर लगा दिया, और ये वाली जो है उधर फुल हुई है भाई, तो उधर चलना पड़ेगा हमको। अभी जो है इधर से इसको लोड करना पड़ेगा, चलो यहाँ से कर लेते हैं लोड। चलो भाई आज ही गेम प्ले में इतना ही था, गेम प्ले काफ़ी लंबा हो गया है, और कल वाले गेम प्ले में डालूंगा मैं न्यू बरन के में, और जो उसमें करूंगा मैं ब्रेड बनाऊंगा क्योंकि आटा है हमारे पास और मैं बेकरी भी है हमारे पास, तो आटा बनाने की सोच रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसकी न्यू बर्न की नेक्स्ट वीडियो में वही होगा भाई, तो मिलता हूँ न्यू बर्न की नेक्स्ट वीडियो में या फिर एमस्टोन की मैप में। तब तक के लिए बाय बाय।